Joining us is the silver medalist from the World Athletics Championship, Neeraj Chopra. Neeraj, silver medal, 19 साल बाद भारत के लिए मेडल आया है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप्स में, क्या कहेंगे आप? अच्छा रहा जी, काफी अच्छा अपने देश के लिए कि भाई मेडल आया है और काफी अपने फाइनल में पहुंचे, उस चीज की वो काफी खुशी है। पर हाँ, मतलब आज का कंपटीशन काफी टफ था और काफी स्ट्रगल करना पड़ा, पर फाइनली खुशी है इस बात की कि भाई मेडल, सिल्वर मेडल जीता। नीरज, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका फाउल हुआ, मैं पूरा श्योर हूँ कि इंडिया में सबका हार्ट का जो बीट था वो एक स्किप हो गया था। उसके बाद सेकंड थर्ड में आप धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर फोर्थ में जब आपने सेकंड स्पॉट सिक्योर किया, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एक सेंस ऑफ रिलीफ था कि हो गया है मेरा अब सेकंड स्पॉट सिक्योर? नहीं, सेंस ऑफ रिलीफ तो मतलब लास्ट तक रखना ही चाहिए, हमेशा कोशिश करते हैं कि भाई अपना और इम्प्रूव करें, और वही कोशिश थी बस लास्ट तक कि भाई और इम्प्रूव करना है, बस वही माइंड में था। और नीरज, एक एग्जांपल आप बनते जा रहे हैं कंसिस्टेंसी का, जितने यंग बच्चे हैं वो सारे अब जैवलिन थ्रोअर बनना चाहते हैं, वो नीरज को अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इंडियन एथलेटिक्स का रिवाइवल जो है वो नीरज चोपड़ा के नाम के साथ ही लिया जाएगा। बस अभी तो कोशिश आई कि अभी और जितने भी कंपटीशन है उनमें और अच्छा करें, और एक जो है मेडल जो अपने अगर ग्लोबल लेवल पे और ज्यादा आएंगे तो बिल्कुल जो एक कॉन्फिडेंस है अपने एथलीट्स का और ज्यादा बढ़ेगा कि हम भी यहाँ पे कर सकते हैं, तो वो चीज मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वो निकलना जरूरी है कि भाई कि माइंड में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हाँ बाहर के एथलीट इतने इतने अच्छे होते हैं या इतने फिट होते हैं, वो हमसे तगड़े हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमको अपने माइंड से निकाल के हमको कंपटीशन करना चाहिए और हमको ये सोचना चाहिए कि हम भी उस लेवल तक जा सकते हैं और हम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आखिरी दो सवाल है नीरज, सारे मेडल अब आप जीत चुके हैं, जूनियर गोल्ड, CWG, एशियन गेम्स, टोक्यो चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी अब मेडल है, तो आई थिंक एक चीज जो रहेगा वो अब वर्ल्ड चैंपियन बनना रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, गोल्ड मेडल ही होता है तो वो चीज हमेशा दिमाग में रहेगी और हमेशा ही अपना बेस्ट करने की कोशिश करते रहेंगे। और नीरज, हम आपके घर पर भी थे पानीपत में, तो वहां पर सब नाच रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, आपकी मम्मी ने हमें बताया कि दाल बाटी चूरमा आपका फेवरेट है, अब आपको वो यूएस में तो मिलेगा नहीं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा भारत आके CWG खेल के, फिर शायद दाल बाटी चूरमा मिलेगा। नहीं, वो हरियाणा में तो चूरमा ही होता है जी, खाली राजस्थान में होता है दाल बाटी चूरमा, पर ठीक है जी, काफी दिन से बाहर रह रहे हैं अब तो जैसा खाना मिलता है वैसा मतलब खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अभी वही खाना है, पर हाँ घर पे हमेशा घर जाते हैं तो हमेशा मन में रहता है कि भाई घर के खाना हमेशा ही अच्छा लगता है। नीरज, ऑल द बेस्ट, कंपटीशन खत्म करके खाएंगे आराम से। थैंक यू सो मच जी।